गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे बेटा रेडियस रेशियो रूल्स की। ठीक है, ये रेडियस रेशियो रूल क्या होता है सॉलिड स्टेट में, ये बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा है, रेडियस का रेशियो है किस चीज़ की, रेडियस कैटायन की रेडियस का। अगर एन आयन की रेडियस के साथ रेशियो निकालें तो कुछ नंबर्स आते हैं, और उन नंबर्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपके स्ट्रक्चर का, और उसका स्ट्रक्चर का टाइप क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ है। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये जो डेफिनेशन दे रखी है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन टू दैट ऑफ द एनायन इज कॉल्ड द रेडियस रेशियो, एंड फार्मूला इज रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन। ये चीज़ आपको लिखनी होगी। अब आगे की बात करते हैं जो आपको मेमोरी में रखना है। देखो बेटा, ये चीज़ आपको मेमोरी में रखनी है। अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 3। कोऑर्डिनेशन नंबर आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, लैटिस के अंदर यूनिट सेल के अंदर एक स्फीयर दूसरे कितने स्फीयर को टच कर रहा है। तो अगर 0.155 से 0.225 आ जाता है रेडियस रेशियो, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा आपका जा करके 3। स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होगा प्लेनर ट्राइंगुलर, और इसका एग्जाम्पल है बेटा B2O3। समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद अगर रेडियस का रेशियो आपका आ गया 0.225 से 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा, और ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट आ जाएगा इसका। इसके एग्जांपल्स हैं सेफेराइट और जिंक सल्फाइड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का टाइप होगा सेफेराइट या जिंक सल्फाइड, और एग्जाम्पल है CuCl, CuBr, CuI, BaS, HgS एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा आएगा 6, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो जाएगा इसका ऑक्टाहीड्रल, स्ट्रक्चर का टाइप हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं रॉक साल्ट। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और सोडियम क्लोराइड टाइप है, तो उसको बोलते हैं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं आपके NaBr, KBr, MgO, MnO एक्सेट्रा। इसके बाद अगर आपका रेडियस रेशियो आ गया 0.732 से 1, 0.732 से कितना आ गया 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, TlBr, NH4Br, ये इसके एग्जांपल्स हैं। समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है बेटा, ये चीज़ है। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखो बेटा, सैम्पल प्रॉब्लम को देखो, क्या कहती है सैम्पल प्रॉब्लम। द टू आयन्स ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव हैव रेडियाई 88 एंड 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली इन द क्लोज पैक्ड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड ए बी, प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ए पॉजिटिव। तो बेटा क्या करोगे आप, क्या करोगे, आर ए पॉजिटिव का आर बी निगेटिव के साथ रेशियो निकाल लो। आर ए पॉजिटिव कितना है 88, और आर बी निगेटिव कितना है 200। तो ये चीज़ सॉल्व होकर के कुछ आ जाएगी आपकी, बताता हूँ अभी आपको कैलकुलेट करके। ये बेटा कैलकुलेट करके आ रही है करीब करीब 0.44, कितनी आ रही 0.44। ठीक है, अब ये किस कैटेगरी में लाई किया, 0.44 का जो रेशियो किस कैटेगरी में लाई किया, इसको ज़रा देख लो। 0.44 आपका बेटा लाई किया इस कैटेगरी में, कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा, क्योंकि 0.44 इसमें लाई करेगा और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है बेटा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इस केस में कितना आ जाएगा, जो पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पॉजिटिव दैट विल बी 6, ये आंसर हो जाएगा आपका। गॉट द आइडिया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है बी आर निगेटिव आयन्स फॉर्म ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ बी आर निगेटिव आयन इज 195 पिकोमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन दैट जस्ट फिट्स इन टू द टेट्राहेड्रल होल। टेट्राहेड्रल होल कहने कैटायन ए पॉजिटिव, पहले तो यहाँ तक करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एनायन। तो देखो बेटा, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इज इक्वल टू, अब टेट्राहेड्रल होल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल होल की बात कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल होल के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, आर पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.225, आर नेगेटिव आपने जान रखा है, ये तो जानते हो ना आप। अब आपके पास क्या है, आपके पास R निगेटिव है, तो R पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी। R पॉजिटिव कितना आ जाएगा 0.225 मल्टीप्लाई R निगेटिव कितना 195।
फाइव पिकोमीटर, आएगा कि नहीं आएगा? तो कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कटायन, तो यहाँ से आपकी कटायन की रेडियस डायरेक्टली निकल आएगी और वो कितनी होगी, ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा बेटा 43.875। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो आएगा 43.875 पिकोमीटर, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लो, यही आ रहा है, क्लियर होगी बात, यहाँ से निकाल लेंगे। अब आगे इसने कहा कैन ए कैटायन ए पॉजिटिव हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर विल बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अच्छा जी, ये देखते हैं जरा, 82 वाला इसके अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये चीज़ पूछ रहा है ये, ए पॉजिटिव बी आर निगेटिव का केस है ना। ऑक्टाहेड्रल होल, अब जरा ऑक्टाहेड्रल होल निकाल लेते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होल निकाल लेते हैं। तो ज़रा गौर करो, ऑक्टाहेड्रल होल ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसके लिए हमें रेडियस रेशियो का यूज़ करना पड़ेगा। तो आर पॉजिटिव कितना आया, 43 पॉइंट, आर पॉजिटिव कितना आया आपका, 43 पॉइंट समथिंग है, लेकिन ये किसी दूसरे के लिए पूछ रहा है, 82 पिकोमीटर हैविंग रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर, तो ये नहीं लेंगे, ये सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहा है आपसे। ये कह रहा है कि अगर हमारा कैटायन की रेडियस कितनी हो, 82 पिकोमीटर, एनायन मेरा वही हो 195 वाला, तो ये रेशियो कितना आएगा आपका, ये रेशियो करीब करीब आ जाएगा 0. कैलकुलेट करेंगे तो 0. समथिंग आना चाहिए, कैलकुलेट करता हूँ अभी मैं कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 0.420 आ रहा है करीब करीब, ये तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब ये लाई किसमें कर रहा है, ये लाई किसमें कर रहा है, ये लाई कर रहा है बेटा 0.414 से 0.732 में, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल में लाई कर रहा है, तो ये चीज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना लेगी, 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, ये 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, कन्फर्म हो गई बात। अब ज़रा दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि कैन ए कैटायन ए पॉजिटिव हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बिल्कुल बन सकता है ये, बिल्कुल बन सकता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा कि बनेगा कि नहीं बन रहा है, वैसे मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा, कैसे आपको अभी बताता हूँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसकी रेडियस कितनी आएगी, 0.414 × 195, ये कितनी आ गई आपकी, ये जाकर के आ गई 80.73 पिकोमीटर, ये तो बेटा इतनी आ गई, 80.73 पिकोमीटर आ रही है ये। ठीक है, और हमारे पास जो रेडियस है कैटायन की वो कितनी है, इसको चेक करना पड़ेगा ना, ये चेक करो रेडियस हमारे पास कितना है, हमारे पास तो बड़ा साइज आ रहा है, हमारे पास जो है इससे बड़े साइज का है, ये मिनिमम साइज है, मिनिमम साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना होना चाहिए, 80.73 पिकोमीटर, ये हमारा साइज होना चाहिए मिनिमम, कोई एटम जिसकी रेडियस इतनी हो, कम से कम इतनी हो, वो तो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो तो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, अगर कोई भी एटम जिसकी रेडियस कितनी आ रही हो, 80.73 कम से कम इतनी हो, तो वो एडजस्ट हो सकता है उसमें। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, तो ये मिनिमम है आपका, इतने साइज का अगर कोई एटम हो तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा करके एडजस्ट हो सकता है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इफ़ द रेडियस ऑफ Mg+2 आयन, Cm+ आयन एंड O-2 एंड S-2 आयन एंड Cl- आयन आर दिस, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन इन द क्रिस्टल MgS। बेटा MgS के केस में देख लो क्या करोगे आप, आप यहाँ लिखोगे Rmg+2 / Rs-2, इनकी रेडियस वगैरह दे रखी हैं। ठीक है बेटा, ये देखो Rmg+2 और Rs-2, Mg+2 की भी रेडियस दे रखी है और S-2 की भी दे रखी है, ये भी पता है आपको, ये भी पता है, तो फिर इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से MgO की बात कह रहा है, तो MgO तो यहाँ क्या जाएगा, Mg+2 आ जाएगा और O-2 आ जाएगा, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, ये भी इस क्वेश्चन में दी हुई है। अब इसके बाद सीजियम क्लोराइड की बात कह रहा है, तो सीजियम क्लोराइड के केस में RCS आ जाएगा पॉजिटिव और RCl आ जाएगा निगेटिव,
तो यहाँ भी इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप वैल्यूज़ पुट करो, जो फाइनल आंसर आएगा उससे आप कंपेयर कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एमजीओ क्रिस्टल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट्स कैटायन इन विच कैटायन एंड एनायन रेडियाई आर इक्वल टू 65 एंड 144। देखो बेटा, आर पॉजिटिव और आर निगेटिव का रेशियो निकालो, ठीक है। कैटायन और एनायन ये 65 है और ये 140 है, ठीक है, ये आ रहा है करीब करीब। तो इसको सॉल्व कर लो, इससे आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग फिर आप उसका जो है बात कर सकते हो कि क्रिस्टल का टाइप वगैरह जो भी है किस तरह का होगा, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है, डिवाइड करते ही पता चल जाएगा आपको। ये देखो बेटा, ये कहता है अगला क्वेश्चन, इफ द कंपाउंड ए एक्स द रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव इज 95 एंड एक्स निगेटिव इज दिस, प्रेडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए एक्स, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल है, आप क्या करोगे, आर ए पॉजिटिव अपॉन आर एक्स निगेटिव, तो ये आएगा आर ए पॉजिटिव कितना आ रहा है 95 और आर एक्स निगेटिव कितना है 181। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या है वो। प्रेडिक्ट द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एनायनिक कंपाउंड ए पॉजिटिव बी निगेटिव इन विच द रेडियस ऑफ द कैटायन इज 148 एंड रेडियस ऑफ एनायन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन। कर सकते हैं इसको, वही बात है, कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस, इट विल बी इक्वल टू कैटायन की दे रखी 148 और एनायन की दे रखी 195। इसको डिवाइड कर लेना, जो वैल्यू आएगी उसको टेबल से कंपेयर करके आप आसानी से सारी चीज़ निकाल सकते हो। ये कह रहा है, इफ द क्लोज पैक्ड कैटायंस इन ए बी टाइप सॉलिड हैव ए रेडियस ऑफ 75 पिकोमीटर, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइजेस ऑफ द एनायन फिलिंग द वॉइड्स, ये पूछ रहा है। ये बेटा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, उसका रीज़न क्या है, इसने ये नहीं बताया। ए बी टाइप सॉलिड लिख रखा है, लेकिन ए बी टाइप सॉलिड क्या, कौन सा टाइप, ए बी टाइप में तो बहुत कुछ पॉसिबल है, तो इनकम्प्लीट है वैसे तो ये क्वेश्चन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन में जाएगा ये, ये कन्फर्म नहीं है बेटा किस टाइप का है ये। ए बी टाइप लिख दिया ना, ये ए बी टाइप सॉलिड बोल दिया, इसलिए दिक्कत करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ NaCl सीजियम क्लोराइड वगैरह दे दिया तो बात बन जाती। अब अगर मैं मान लूँ यहाँ NaCl दे रखा है, NaCl टाइप, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, ठीक है, और 0.414 से लेकर के 0.732 तक होता है, ठीक है, रेडियस रेशियो। इसका मतलब है रेडियस कितनी आ रही है, सॉलिड है रेडियस 75 आ रही है, कितनी आ रही है 75 जा रही है। तो R पॉजिटिव अपॉन R निगेटिव इज इक्वल टू 0.414, ठीक है, तो R निगेटिव कितना आ जाएगा यहाँ से, R निगेटिव इक्वल टू आ जाएगा R पॉजिटिव अपॉन 0.414, एक चीज़ तो ये आएगी, और इसी तरह से एक आ जाएगी आपकी R निगेटिव इक्वल टू R पॉजिटिव अपॉन 0.732। तो बेटा ये वैल्यू ऑब्वियस ही बात है लो आएगी, तो ये मिनिमम पॉसिबल आएगा, और ये वैल्यू ऑब्वियस ही बात है मोर आएगी, क्योंकि 0.414 छोटी वैल्यू है, 0.732 बड़ी वैल्यू थी, तो ये आपका मैक्सिमम रेडियस आएगी, मैक्सिमम रेडियस आएगी। यहाँ आर पॉजिटिव कितना होगा 75 और यहाँ आर पॉजिटिव कितना लोगे 75 लोगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, दोनों जगह 75 लेना पड़ेगा आपको, समझ में आई बात। तो अगर ये NaCl टाइप दे रहा तब तो हम कर सकते हैं, या फिर ये कुछ और दे दे सीजियम क्लोराइड टाइप दे दे तो वहाँ से बात बना सकते थे सीजियम क्लोराइड से, ठीक है बेटा, जब तक ये बात नहीं देगा तो नहीं कर सकते थे। तो मैंने NaCl मान लिया, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसके जो रेडियस रेशियो की रेंज होती है 0.414 से 0.732, और अगर 0.414 लोगे तो R निगेटिव मैक्सिमम आएगा, और जब 0.732 लोगे तो R निगेटिव मिनिमम आएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे होगा ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए सॉलिड ए पॉजिटिव बी निगेटिव हैज़ NaCl टाइप क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इफ द एनायन हैज रेडियस ऑफ 250 पिकोमीटर, तो आर पॉजिटिव अपॉन आर निगेटिव इज इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए 0.414 से लेकर के 0.732 तक आना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एनायन की जो रेडियस है वो 250 है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 250 पिकोमीटर लिख दूंगा, तो रेडियस ऑफ कैटायन पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है रेडियस ऑफ कैटायन, तो रेडियस ऑफ कैटायन जो है आप निकाल सकते हो इसमें आसानी के साथ, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ कैटायन आप आसानी के साथ निकाल सकते हो।
देखो बेटा, आर पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कटायन निकालना है, तो आर पॉजिटिव इज इक्वल टू आर निगेटिव इंटू 0.414 से लेकर के 0.732, इसमें से कोई वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है, ये वैल्यू हमें लेनी है। तो हम ये निकाल लेते हैं, इसमें और तो कुछ बताया नहीं है इसने। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि मिनिमम वैल्यू आर निगेटिव की क्या आएगी, मिनिमम जो कटायन का सबसे छोटा साइज है जो उसके अंदर एडजस्ट हो सकता है वो निकाल लो, और मैक्सिमम वाला निकाल लो, दोनों वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 0.414 से भी निकाल सकते हो आप, 0.732 से भी निकाल सकते हो। तो आर निगेटिव की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक तो आर पॉजिटिव अपॉन 0.414 और एक आएगा आर पॉजिटिव अपॉन 0.732, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों जगह से आप वैल्यू आर निगेटिव की निकाल सकते हो, ठीक है। आगे इसने कहा, कैन ए कैटायन सी प्लस हैविंग ए रेडियस ऑफ 180 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू द टेट्राहेड्रल साइड ऑफ द क्रिस्टल ए पॉजिटिव बी निगेटिव। अच्छा, अब ए पॉजिटिव बी निगेटिव की टेट्राहेड्रल साइड निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए टेट्राहेड्रल साइड होता है 0.225 इंटू क्या, आर निगेटिव, ठीक है, आर निगेटिव, टेट्राहेड्रल साइड आर पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आर पॉजिटिव की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी आपकी जब आर निगेटिव किससे आ रहा है आपका, जब आर निगेटिव कैलकुलेट हो रहा है, आर निगेटिव आपका कैलकुलेट हो रहा है यहाँ से, ये जो है इस जगह से कैलकुलेट हो रहा है, और एक बार आर निगेटिव की ये वाली वैल्यू ले लो, ये देख रहे हो ना आर निगेटिव है, ये दो वैल्यूज़ हैं, तो आर पॉजिटिव की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक ये एक ये, नहीं समझ में आ रही बात, यहाँ से आप आसानी के साथ कर सकते हो इसको, इस जगह से आप आसानी से कर सकते हो, ये वैल्यूज़ डाल के चेक कर लो, पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनरल हेमेटाइट Fe2O3 कंसिस्ट ऑफ ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरे ऑफ ऑक्साइड आयन्स विद Fe+3 आयन्स ऑक्यूपाइंग इंटरस्टीशियल पोजिशन, प्रेडिक्ट वेदर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कौन गया, ऑक्साइड आयन गया, और Fe+3 किस में चला गया, इंटरस्टीशियल पोजिशन, या तो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल में गया। ये प्रेडिक्ट वेदर द आयरन आयन्स आर इन द ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वुड, रेडियस ऑफ Fe+3 एंड O-2 इज दिस। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आर पॉजिटिव अपॉन आर निगेटिव निकाल लेता हूँ, ये कितना आएगा, आर पॉजिटिव कितना दिया हुआ है 0.65, आर निगेटिव कितना दिया 1.45, इसको ज़रा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो बेटा, देखो कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करो, देखो कितना आया है, ये आ गया आपका करीब करीब कैलकुलेटर से 0.45 आ गया आपका, ये 0.45 एंगस्ट्रॉम ये आ रहा है, 0.45 वैल्यू आ रही है, एंगस्ट्रॉम नहीं, ये तो वैल्यू आ रही है, एंगस्ट्रॉम तो कैंसिल हो गया, यहाँ था ना एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम था और ये एंगस्ट्रॉम था, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 0.45 आ गया, और ये चीज़ किसके रेंज में आ रही है, ये 0.414 से 0.732 की रेंज में आ रही है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ऑक्टाहीड्रल बनेगा, ये ऑक्टाहीड्रल वर्ड में जाएगी ये, ठीक है, ये ऑक्टाहीड्रल वर्ड में जाएगा, ये समझ आ गया बेटा। तो रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालते हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर एडजस्ट होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जा करके एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर बात, ऐसे करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, जिनॉन क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट लैटिस एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज दिस, तो व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ जिनॉन एटम। देखो बेटा, सेल की जो लेंथ है, एज ऑफ द यूनिट सेल, एज ऑफ द यूनिट सेल की बात कह रहा है ये, एज ऑफ द यूनिट सेल मतलब ए दे दिया, ए कितना दे दिया 620 पिकोमीटर। अब फेस सेंटर्ड में जा रहा है, किस में जा रहा है, फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में नियरेस्ट नीबर की डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, फेस सेंटर्ड में नियरेस्ट नीबर की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वो कितनी होती है बेटा, ए अंडर रूट 2/2। कैसे, देखो ये फेस है, इसमें यहाँ पर है एटम, यहाँ पर एटम है, और इस तरह से ये एटम है, इसका सेंटर देखो बेटा, इस वाले एटम का सेंटर ये रहा और इस वाले सेंटर का एटम का सेंटर ये रहा, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी होती, ये पूरी कितनी होती है ए रूट टू, तो इससे आधा कितना हुआ, ए रूट टू बाई टू हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ए रूट टू बाई टू हुआ, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ए की वैल्यू तो आप ये पुट कर दो यहाँ पर और रूट टू अपॉन टू कर दो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मिल जाएगी। अगला क्या कहता है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ जिनॉन एटम, रेडियस ऑफ जिनॉन एटम पूछ रहा है, एक बात बताना, ए रूट टू में कितनी रेडियस आ रही हैं,
आर प्लस टू आर प्लस आर, या ए रूट टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 आर आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, ए तो आपको पहले से ही पता है, समझ आया कि नहीं आया। तो दोनों पार्ट कर दिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछी तो मेरी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, और अगर इसने जो है रेडियस पूछी तो वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, इस जगह से दोनों बातें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। सीजियम क्लोराइड हैज़ बीसीसी अरेंजमेंट एंड इट्स यूनिट सेल एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस इन सीजियम क्लोराइड। इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब एक स्फीयर जो दूसरे स्फीयर को टच कर रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर जो एटम है वो इस वाले एटम को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये आपका इस तरह से यूं है कुछ, ठीक है। अब इस वाले एटम का सेंटर ये रहा, इस वाले एटम का सेंटर ये रहा, इस वाले एटम का सेंटर ये रहा, तो हमें क्या निकालना है, इस सेंटर के बीच की दूरी निकालनी। ये पूरा कितना होता है, ए कितना होता है, ए रूट थ्री, इसका मतलब हमें ए रूट थ्री इसका हाफ निकालना है, ए रूट थ्री का हाफ निकालना है। तो ए मुझे पता है कितना है, 400 पिकोमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 400 इंटू रूट थ्री अपॉन टू, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 75 पिकोमीटर एंड द लैटिस टाइप इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिट सेल, एज ऑफ द यूनिट सेल पूछ रहा है। देखो बेटा, ए रूट थ्री, ए रूट थ्री में कितनी रेडियस होती थी, आर प्लस टू आर प्लस आर, इसका मतलब है ए रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 आर। अब आर आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, तो ए नहीं कैलकुलेट हो जाएगी, ए की वैल्यू निकल आएगी, ये पूछ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ए रूट थ्री में आर प्लस टू आर प्लस आर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, क्लियर होगी बात, इसलिए यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट होगा ये। द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, ये दे दिया आपको आर, इफ इट क्रिस्टलाइजेज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द एज। देखो बेटा, ये आपका फेस है, ये आपका फेस पर गया एटम, ये कॉर्नर पर और ये वाला भी कॉर्नर पर, ठीक है। तो इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, ठीक है। अब जरा गौर करो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए रूट टू, तो ए रूट टू में कितने रेडियस आ जाएंगी, 4 आर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एज ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, मतलब ए पूछ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 4 आर अपॉन अंडर रूट टू। अब आर कितना है मेरा, 4 अपॉन अंडर रूट 2, आर है मेरा जा करके 500 पिकोमीटर, ये चीज़ आ जाएगी, ए कितना आ जाएगा, 500 पिकोमीटर, इससे ये मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आए बात, ए रूट टू इजल टू 4 आर में तो कोई डाउट नहीं है, तो ए कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। ए सॉलिड ए बी है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज दिस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। देखो बेटा क्या, ए अंडर रूट थ्री में कितनी रेडियस है, आर प्लस टू आर प्लस आर, थोड़ा महसूस करना, तो ए रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आर, ठीक है। एटम कहाँ कहाँ टच करता है, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब इसमें ध्यान रखना, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2 आर, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये आर, ठीक है। तो 4 आर इज इक्वल टू इतना, लेकिन हमें कितना कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब ए रूट थ्री का हाफ निकालना है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव का मतलब है, आप जो है ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है भैया, दो स्फीयर जो डायरेक्टली टच कर रहे हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी। तो बॉडी डायगनल में, बॉडी के डायगनल के अलॉन्ग ही तो एटम टच करते हैं, तो ए रूट थ्री में 4 रेडियस होती हैं, ठीक है, तो आपको कितनी निकालनी है, 2 रेडियस निकालनी है, तो क्या करोगे, हाफ कर दो ए रूट थ्री का, हाफ कर दो, ए रूट थ्री में 4 रेडियस थी, तो हाफ रेडियस, उससे आधी रेडियस कितनी आ जाएगी, ए रूट थ्री अपॉन टू में आ जाएगी। ए आपको पता है ए कितना है, 404 × √3 और अपॉन टू, ये आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन देखो बेटा, एन एलिमेंट ई क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इफ द एज लेंथ ऑफ द सेल इज दिस मीटर एंड द डेंसिटी ऑफ दिस, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट। देखो बेटा ध्यान दो, ये कह रहा है कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट। देखना बेटा, ध्यान देना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है,
कि जो ए रूट थ्री है बॉडी डायगनल है उसमें कितनी रेडियस होती है, 4 आर होती है। कई बार ही हो चुका है ये, 4 आर होती है कि नहीं होती। अब ये कह रहा है एटॉमिक रेडियस निकालनी, तो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट थ्री अपॉन 4। ठीक है, ए कितना दे रखा है 1.469 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -10 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री, इट विल गिव यू एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट। समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से भाई ये क्या है, बॉडी डायगनल है ए रूट थ्री बॉडी डायगनल, और बॉडी डायगनल कितनी रेडियस आती हैं, 4 रेडियस आती हैं। कैसे, आर प्लस 2 आर प्लस आर, बार बार वही चीज़ आ रही। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है आपको, खत्म। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, ईच साइड ऑफ द यूनिट सेल हैज ए लेंथ ऑफ 409 पिकोमीटर। 409 पिकोमीटर जो है हर एक की लेंथ है। तो कह क्या रहा है ये, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम ऑफ द सिल्वर। देखो फेस सेंटर्ड है बेटा, फेस सेंटर्ड का मतलब ये कहानी है आपकी, ये फेस सेंटर्ड हो गया, ये एटम, ये एटम और ये एटम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हो गया आपका, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। इसका मतलब है ए अंडर रूट टू इज इक्वल टू 4 आर। 4 आर कैसे आ रहा है, खूब अच्छी तरह पता है, आर प्लस 2 आर प्लस आर, ये आएगा। तो 4 आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट टू। अब ए कितना है, 409 अंडर रूट टू इज इक्वल टू 4 आर। तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा।